जय श्री राम। बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष 2018 के लिए आपको। राशि धनु के जातक, सबसे पहले मैं आचार्य राज मिश्रा भगवान से प्रार्थना करता हूं कि 2018 में वो सारी सुख समृद्धियां आपको प्राप्त हो जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। 2018 खुशियों से भरपूर रहे, आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो। क्या कहती हैं आपको नक्षत्रों और राशियों की गणनाएं आपके 2018 के लिए, आइए इस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली चीज, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हम हमेशा बात करते हैं। अगर हम शारीरिक दृष्टिकोण से देखें तो 2018 आपके लिए अनुकूल रहेगा। शारीरिक परिस्थितियां आपकी बेहतर रहेंगी, लेकिन महत्वपूर्ण है मानसिक परिस्थितियां बेहतर रहना। मानसिक परिस्थिति यदि अच्छी हो तो निश्चित रूप से हमें कार्य में अच्छी सफलता प्राप्त होती है, लेकिन यदि मानसिक परिस्थिति हमारी अनुकूल ना हो, मानसिक परिस्थिति हमारी अच्छी ना हो, तो हमें काम में असफलता प्राप्त होती है। आप लोगों ने कहानी भी सुना होगा कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो 2018 में शनि आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं, 7.5 का प्रभाव 2018 में रहने के कारण मानसिक अशांति आपको रहेगी, मानसिक शांति आपकी भंग हो जाएगी। तो इस कारण से ध्यान रखें, प्रतिदिन मेडिटेशन का सहारा लें, ओम नमः शिवाय जप का सहारा लें। अगर मानसिक शांति भंग नहीं होने पाई तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, स्वास्थ्य भी आपका अनुकूल रहेगा। ये आपके लिए मूल मंत्र है कि जिससे आपकी मानसिक और शारीरिक शक्ति बरकरार रहे, दोनों शक्तियां बरकरार रहें, सफलता मिलेगी। आज सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कुटुंब, परिवार यदि सदैव हमारे साथ रहे तो निश्चित रूप से हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों को आसानी से पार कर सकते हैं। सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भी है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमत तहां विपत्ति नाना। जहां पर एकता है वहां पर सारी सफलताएं विद्यमान होती हैं, लेकिन जहां पर एकता नहीं है वहां सफलता नहीं प्राप्त हो पाती है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, पारिवारिक एकता को बरकरार रखने का प्रयास करें। आपकी पारिवारिक एकता जरूर 2018 में भंग होगी, पारिवारिक एकता और पारिवारिक अखंडता भंग होगी, जिस कारण से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक एकता को बरकरार रखने का प्रयास कीजिए। किसी को पैसा 2018 में बिल्कुल नहीं देना है। 2018 में दिया हुआ धन आपको वापस प्राप्त हो इसके चांस बहुत कम हैं। आर्थिक रूप से अगर मैं कहूँ तो 2018 आपके लिए खराब रहने वाला है। कैसे बेहतर करनी है अपने राशि को 2018 के लिए, वो उपाय भी मैं आपको बाद में जरूर बताऊंगा, लेकिन आर्थिक परिस्थितियों का ध्यान आपको रखना होगा। 2018 में बिना सोची समझी समस्याएं आपके जीवन में प्रवेश करेंगी, जिसको लेकर के मन परेशान रहेगा, उसकी उपाय पर भी हम चर्चा करेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जरूर प्रयास करेंगे, उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। कुछ योजनाएं प्रॉपर्टी को लेकर के आपकी सफल होने वाली हैं। आत्मविश्वास आपका जरूर बढ़ा रहेगा। पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाई मन लगेगा। प्रेम संबंध चल रहा है, उसको शादी में तब्दील करना चाहते हैं, जरूर प्रयास कीजिएगा, आपको इसमें अच्छी सफलता प्राप्त होगी। प्रेम संबंध काफ़ी प्रगाढ़ भी होगा। उसके साथ साथ यदि वैवाहिक जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी 2018 में, उनको दुरुस्त करना चाहेंगे, उनको दूर करना चाहेंगे और अपने वैवाहिक संबंध को बेहतर करना चाहेंगे, तो आपको किए गए प्रयास में सफलता प्राप्त होगी। एक चीज़ है, 2018 में कोई मानसिक जटिल रोग होगा जिसके निवारण में आपको कभी मशक्कत करनी पड़ेगी। 2018 भाग्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लक आपका कार्य करेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए किस प्रकार हम सफलता प्राप्त करने वाले हैं, तो यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, सबसे पहले यदि नौकरी नहीं प्राप्त हुई है और नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो जो विदेशी कंपनी है उसमें नौकरी के लिए ट्राई कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको नौकरी भी प्राप्त होगी और अच्छी सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे। विदेश में नौकरी तलाश रहे हैं तो भी आपके लिए 2018 बहुत अनुकूल रहेगा, विदेश में आपको नौकरी की भी प्राप्ति होगी। अपने बिजनेस को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को बिजनेस को विदेश से जोड़ना चाहते हैं, तो 2018 के लिए आपके लिए अमृत तुल्य काम करेगा। 2018 आपको सफलता देने वाला होगा, यानी व्यापार को अपने प्रदेश से शुरू करके विदेश तक ले जाने का सबसे उत्तम समय है 2018 का। यदि आप प्रादेशिक व्यवसाय भी कर रहे हैं और चाहते हैं कि पूरे इंडिया में मेरा व्यवसाय फैले और उसके लिए भी प्रयास करना चाहते हैं, तो 2018 में जरूर प्रयास कीजिए, आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। विदेश यात्रा करना चाहते हैं व्यवसाय को लेकर के, तो भी आपका किया गया प्रयास निश्चित रूप से सफल होगा। व्यावसायिक विदेश यात्रा आपकी जरूर
2018 में होने वाली है। राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो सावधान रहने की आवश्यकता है। सीनियर लोगों का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा नहीं प्राप्त होगा। एलिगेशन इत्यादि जो आपको आरोप प्रत्यारोप हैं वो जरूर 2018 में आपको झेलने पड़ेंगे, तो आपको इन चीज़ों पर ये ध्यान रखेंगे। और उसके साथ एक मूल मंत्र है 2018 के लिए आपके लिए, श्री रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा नंबर 16 है, सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल और प्रभु प्रताप ते गरु नहीं खाही परम लघु व्याल। इसका नियमित रूप से यदि पाठ करेंगे तो आपके 2018 में आने वाली दिक्कतें स्वतः दूर हो जाया करेंगी। और अगर नहीं कर पाते हैं, एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्रति शनिवार सुबह बिना नहाए हुए, शुक्रवार रात को एक कटोरी में सरसों का तेल भर के रखना है, शनिवार सुबह बिना नहाए हुए उस तेल में अपना फेस देखना है, फिर नहाने के लिए जाना है, नहा करके वो तेल जो भी शनि मंदिर है या जो भी शनि के इत्यादि मांगने वाले आते हैं उनको दान करना है। 2018 आपका खुशियों से भरपूर हो जाएगा। मेरी भगवान राम से सदैव प्रार्थना रहेगी कि आपका 2018 समस्त प्रकार की खुशियों से भरपूर रहे। जय श्री राम।